हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फोर पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में, यानी कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले समझेंगे कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग होते हैं वो कभी भी उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम कई सारी होती है, तभी वो अमीर बन पाते हैं। तो आप भी अमीर कैसे बन सकते हैं, आप भी अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से जी सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मालूम पड़ेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं एक्टिव इनकम की, कि एक्टिव इनकम आखिर होती क्या है। सपोज दैट आपकी कोई जॉब लगी हुई है या फिर आपका कोई इनकम है, जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, तो इसको एक्टिव इनकम कहते हैं। जैसे कि जॉब से जब तक आप जॉब के लिए काम करेंगे तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा। इसी तरीके से आपके अगर कोई शॉप है, दुकान है, बिजनेस है, तो जब तक आप अपनी दुकान को ओपन करोगे, अपनी दुकान पर जाते रहोगे, तब तक आपके पास पैसा आएगा। और जैसे आप दुकान को बंद कर दोगे, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। सेम क्या होता है, इसी को कहते हैं एक्टिव इनकम। यो एक्टिवली आपको उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है, उसमें काम करना पड़ता है। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है, कि पैसिव इनकम में स्टार्टिंग में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धीमे धीमे वो काम आपका इनडायरेक्ट वे में आपके जो साथी होते हैं या आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वो उस काम को संभालते हैं, और आपका इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर वो कम हो जाता है। एक तरह से क्या होता है, आप बॉस हो जाते हैं, और जो ये इनकम होती है वो एक्टिवली, यानी कि एक्टिवली नहीं, पैसिवली आपके पास इनकम आपके पास होना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि हम आपको चार इनकम सोर्सेस बताएंगे जिनसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और आप भी जो अमीर बनने का रास्ता है उसको आप धीमे धीमे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पैसिव इनकम आइडियाज है उसमें सबसे पहला है आपका स्किल्स, यानी कि यदि आपके पास स्किल सेट है तो आप उस पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि आपका अगर कंटेंट क्रिएटर का कौज बहुत ज़्यादा जमाना है आजकल, यानी कंटेंट क्रिएटर चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे और भी कोई प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे क्या होता है कि आजकल कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनको कंटेंट बनाने की आवश्यकता पड़ती है, उनको कंटेंट बनवाने में हम हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए हम वीडियोज़ बना सकते हैं, उनके थंबनेल्स बना सकते हैं, उनके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर हम उनके जो भी उनके इंटरनल इंफोग्राफिक्स होते हैं, या फिर जैसे थंबनेल्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, बैनर होते हैं, एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं। तो इस तरह का हम स्किल सेट का इस्तेमाल करके हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हम बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, बाकी जो फेसबुक पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए हम कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए एनिमेशन वीडियो बनाने में हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए हम थंबनेल्स बना सकते हैं वीडियोस के, या फिर हम उनके एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो ये सारी सर्विस हम दूसरों को दे करके हम अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, और ये हम जब स्टार्टिंग हम खुद से कर सकते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके हम लोगों को हायर करके ये वाला काम उनसे करवा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि हम ये वाला काम कैसे लें, कैसे लोगों के पास अप्रोच करें जिससे कि हमें ये काम मिल जाए। सबसे पहला तरीका तो यही होता है कि हम कॉन्टैक्ट अस पेज होता है जो फेसबुक का होता है, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल, किसी का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी में मेल भेज करके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि भाई आपके लिए हम एनिमेशन वीडियोज़ बना सकते हैं, हम आपके लिए थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। इसके अलावा भी फाइवर और इस तरह की कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनसे हम काम ले सकते हैं, freelancer.com होती है, अपवर्क हो सकती है, तो यहाँ पे भी हम काम ढूंढ सकते हैं और हमको ऐसे काम मिल जाता है। तो इस तरह से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगला दोस्तों पैसिव इनकम आइडिया है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जरूर सुना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग में सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये होता है कि सपोज दैट एक अमेजन वेबसाइट है, अमेजन जैसे और भी फ्लिपकार्ट वगैरह और भी कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, उनके प्रोडक्ट को सेल करवाने में हमें हेल्प करनी है। सपोज दैट अमेजन पर एक कैमरा है और कैमरे को मुझे सेल करवाना है, तो कोई वो बायर है, बायर ढूंढना है मुझे, और उस बायर को मुझे भेजना है अमेजन के पास में, और उस बायर जब वो अमेजन से प्रोडक्ट खरीद लेगा तो अमेजन मुझे क्या करेगा, एक कमीशन देगा, ठीक है। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इस एफिलिएट मार्केटिंग का प्रचार कैसे कर सकते हैं, चाहे आपके पास यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक पेज हो, या फिर आपके पास वेबसाइट हो, आपको दूसरों के प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना है, यानी कि एफिलिएट मार्केट को ज्वाइन करके, एफिलिएट मार्केटिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ज्वाइन करके आप उनका एफिलिएट लिंक जनरेट कर देंगे, यानी कि जिसको हम कहते हैं यूआरएल, और उस यूआरएल को आप अपने वेबसाइट पर लगा देंगे या फिर अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, चाहे फेसबुक के
कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। और जब भी आपका इस यूआरएल से आपके व्यूअर्स उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं तो आपको वो कमीशन मिलेगा। तो आप इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप सो रहे होंगे तब भी आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, क्योंकि ये होता है ऐसा ही काम है। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं लोग आपके प्रोडक्ट्स आपके जरिए प्रोडक्ट्स को देखते हैं, वॉच करते हैं, बाय करते हैं और आपको कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक पैसिव इनकम है। कि आप चाहे एक्टिवली रहें चाहे नहीं रहें, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमेशा आपके पास पैसा अकाउंट में आता रहेगा। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे पैसिव इनकम आइडिया के बारे में, वो है आपका स्टॉक फोटोज या वीडियो स्टॉक्स फोटो को बेचना। यानी कि जो स्टॉक्स वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि एडोब स्टॉक है या फिर शटर स्टॉक है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वीडियो फुटेज होती है, हमारे जो फोटोज होते हैं जो हमने क्लिक किए होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों, चाहे एनिमल्स से, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड हों, उनको हम जो वीडियो फुटेज होती है या फिर ऑडियो फोटो जो फोटोज़ होते हैं उनको हम सेल कर सकते हैं स्टॉक वेबसाइट्स पे। यानी कि शटर स्टॉक पे या एडोब स्टॉक पे उनका प्रोग्राम ज्वाइन करके हम उन वीडियो क्लिप्स को या फिर हम कहते हैं कि जो उन फोटोज़ को हम सेल पे लगा सकते हैं। और जब भी कोई हमारे वीडियोज़ को फोटोज़ को डाउनलोड करेगा कोई, या उस हमारे वीडियो को या ऑडियो को यूज़ करेगा वीडियो या फोटोज़ को, तो हमें उसका कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसके जरिए भी हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सपोज दैट बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वीडियो क्लिप्स क्लिक करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड ब्लॉगर हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि हम लोग नेचुरल ब्यूटी घूमने का शौक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट फोटोज खींचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस शूट करते हैं, उनको हम स्टॉक्स पे लगा सकते हैं बेचने के लिए, यानी कि एडोब स्टॉक पे या शटर स्टॉक पे। तो इस तरीके से हम भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू यानी कि पैसा कमा सकते हैं। और ये भी एक आपका बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, पैसिव इनकम सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। चौथा और आखिरी इस वीडियो का जो पैसिव इनकम सोर्स ऑफ आइडिया है वो है आपका क्रिएट योर ओन वर्क। यानी कि आपको अपना खुद का कोई काम डेवलप करना है, आपको अपना खुद कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, चाहे वो कोर्स हो सकता है, चाहे कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, जिसको आप सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। आप कोई भी एजुकेशन की फील्ड का एक ई बुक डिजाइन कर सकते हैं, कोई कोर्स बना सकते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो सकता है, चाहे वो मैथ की ट्रिक्स का कोर्स हो सकता है, चाहे वो एक्सेल जो पावर पॉइंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, उसकी ट्रिक्स बताने का कोई भी कोर्स हो सकता है, तो उस कोर्स को डिजाइन कीजिए या फिर ई बुक डिजाइन कर लीजिए और इन ई बुक को या कोर्स को बेच करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अब बात आते हैं कि कोर्स को कहाँ बेचेंगे। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके जरिए आप अपने कोर्स को या फिर ई बुक को सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो बेस्ट माध्यम होते हैं वो यही है कि आप अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बेच सकते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में बेच सकते हैं। सपोज दैट आपका कोई चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, तो आप उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन कोर्सेज को या ई बुक को सेल कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सुना होगा उडेमी सुना होगा, तो उडेमी के जरिए भी आप कई सारे अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनके जो ई बुक्स होते हैं या फिर आपके कोर्स होते हैं उनको भी आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो ये दोस्तों जो फोर पैसिव इनकम आइडियाज़ थे, इनके लिए अगर आपको कुछ आता नहीं है, आपको कोई स्किल नहीं आती है, तो आप उन स्किल को सीख सकते हो एक दो महीने के अंदर। और जब आप उन स्किल्स को सीख लोगे एक दो महीने के अंदर, उसके बाद में आप ये चीज़ें कर सकते हो, आप कोर्स को सेल कर सकते हो, आप अपने स्किल्स को सेल कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, जिससे जरिए क्या होता है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होगी वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और आप एक अच्छा खासा पैसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप ये आज से स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।